जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ताकतवर ट्रैक्टर की वीडियो लेके आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा प्रीत एग्री टेक 6549 सिंक्रोमैक्स गियर के अंदर ये ट्रैक्टर देती है कंपनी। बहुत ही जानदार और हैवी ड्यूटी टायर है किसान भाइयों। आज इसके बारे में पूरा रिव्यू करके दिखाएंगे और क्या खासियत है इसकी और कितना प्राइस है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, ये प्रीत कंपनी का ट्रैक्टर है। ग्रीन कलर में आता है, तोतिया कलर में। सामने दो हैलोजन की लाइटें दे रखी हैं। आप इसका एरोडायनेमिक डिज़ाइन देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। लुक वाइज बहुत बढ़िया है। सामने जाली देती है कंपनी, जो कि धूल धुए कंकर पत्थर से हमारे इंजन को बचाती है। सामने कंपनी फिटेड बम्पर आता है। इसका वेट भी 45 से 50 केजी का होता है। सामने किलड़ार हुक दे रखा है, जिससे कि आप कहीं ट्रैक्टर अगर फंस जाए बाय चांस तो आप इसमें टोचन करके उसको निकाल भी सकते हो। ये इसका फ्रंट टायर है किसान भाइयों, जो कि 7516 के अंदर आता है। बहुत ही हैवी ड्यूटी टायर देती है कंपनी, अच्छी ग्रिप होती है। स्पैंडल आप देख सकते हो, बहुत ही मोटा दे रखा है। नॉन एडजस्टेबल इसका एक्सल है। और जो इसकी स्टेयरिंग है वो पावर स्टेयरिंग के अंदर आती है। ये ड्यूल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग के अंदर है। बहुत ही अच्छी कटाई वगैरह होती है। आप इसके एक्सल को देख सकते हो, चौकोर में दे रखा है, सीधा एक्सल दे रखा है। लोडर डोजर के हर एक झटके को सह सकता है किसान भाइयों। कमाल का ट्रैक्टर बना के दे रही है कंपनी। लुक वाइज भी बहुत अच्छा है। एक सिंपल सा आप इसको पुश करके आसानी से खोल सकते हो। ये सिंगल पीस बोनेट के अंदर आता है किसान भाइयों। मेटेलिक पेंट होता है इसका, आप देख सकते हो। बहुत ही हैवी मैकेनिज्म लगा के दे रही है कंपनी, जिससे किसान भाई अपना भारी से भारी काम कर सके। ये इसका एयर क्लीनर है किसान भाइयों। इसका एयर क्लीनर ड्राई टाइप का आता है। इंजन जो इसका वाटर कूल्ड के अंदर आता है। पीछे रेडिएटर दे रखी है, मोटी और हैवी जाली लगा के देती है कंपनी। उसी के साथ में हॉर्न दे रही है। बहुत ही तेज़ आवाज़ है इसकी। इसके अलावा किसान भाइयों, आप देख सकते हो पीछे की तरफ बहुत ही ज़बरदस्त मैकेनिज्म है। एयर फिल्टर की पाइप वगैरह भी बहुत ही अच्छी लगा के दे रही है कंपनी। हैवी ड्यूटी मैकेनिज्म लगा रखा है। ये इसका कूलेंट दिया हुआ है। अगर किसी वजह से रेडिएटर में कूलेंट की कमी होती है तो ये उसको ऑटोमेटिक ले लेता है, जिससे क्या होता है हमारा इंजन गर्म नहीं होता और ये मेंटेनेंस फ्री बना रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप देख सकते हो ये 4 सिलेंडर इंजन है। 65 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। 4087 cc का इसका इंजन है। 2200 RPM पे काम करता है। बहुत ही हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर है। साइलेंसर बहुत ही ऊंचा दे रखा है, जो कि 4 सिलेंडर इंजन से बाहर आया हुआ है, जिससे कि जितना भी काला धुआं है वो आसानी से बाहर आ सके और हमारा ट्रैक्टर मेंटेनेंस फ्री बना रहे। आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लुक है। बहुत ही बड़ा और ऊंचा ट्रैक्टर बना के देती है हमारे किसान भाइयों के लिए कंपनी। जो ट्रैक्टर का वेट है किसान भाइयों, वो 2320 kg का वेट है इसका, जो कि अच्छा खासा वेट होता है किसी भी भाई से भारी इंप्लीमेंट को चलाने के लिए। ये इसका अल्टरनेटर दिया हुआ है किसान भाइयों, और बेल्ट भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है। 32 एम्पीयर का अल्टरनेटर आता है, जो कि बैटरी वगैरह को चार्ज करता है। पंखा फाइबर का दे रखा है, जिससे कि उसमें जंग ना लगे। नीचे आप देख सकते हो स्टेयरिंग और हाइड्रोलिक अलग अलग पंप दे रखा है, जिससे मेंटेनेंस फ्री बना रहे। नीचे ग्लासी दे रखी है, जो कि इंजन ऑयल और हाइड्रोलिक के ऑयल को क्लीन करती रहती है। कमाल का ट्रैक्टर बना के दे रही है कंपनी। ये सेल्फ स्टार्ट में ट्रैक्टर आता है। ये इसका स्टार्टर दे रखा है किसान भाइयों। ये इसकी बैटरी दे रखी है, जो कि पूरी तरीके से कवर करके देती है कंपनी, जिससे कि उसके ख़राब होने का खतरा ना रहे। इसके अलावा किसान भाइयों, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर है। 6549 का ये ट्रैक्टर है। ये जो पिछले वाला टायर है अपोलो कंपनी का टायर में आता है। ये 16928 हैवी ड्यूटी टायर होते हैं। ये कितनी भी भारी से भारी इंस्ट्रूमेंट को आसानी से ये खींच सकते हैं, स्लिप नहीं करते जल्दी। आप देख सकते हो ये माइको बॉस कंपनी का पंप लगा हुआ है। इनलाइन पंप है, इसके अंदर 4 नोज़ल लगी हुई है। आप देख सकते हो किसान भाइयों, इन्हीं की मदद से जो हमारा डीजल वो सिलेंडरों में जाता है। नीचे ये ग्लासी वगैरह दे रखी हैं। इनमें क्या होता है, प्लंजर वगैरह होते हैं किसान भाइयों, जो कि ऊपर नीचे होते हैं, और उन्हीं की मदद से जो हमारा डीजल ऑयल होता है वो आसानी से हमारे सिलेंडर तक जाता है। ये नीचे वाली ये गिलासी दे रखी है, जो कि डीजल को बहुत अच्छे से क्लीन करके हमारे इंजन तक पहुंचाती है। उसके अलावा भी 2 और एक्स्ट्रा ग्लासी देती है कंपनी, ये भी डीजल क्लीन करती हैं। ये वाटर सेपरेटर था, जो कि मॉइस्चर वगैरह को डीजल से अलग करता है। आप देख सकते हो कंपनी लिख करके देती है कि ये सिंक्रोमैक्स के अंदर आता है इसका गियर बॉक्स। ये डीजल पहले वाटर सेपरेटर में आता है, फिर ग्लासी में क्लीन होकर के फिर इसके बाद किसान भाइयों हिल में जाता है, फिर हिल के बाद फिर माइको बॉस
इनलाइन पंप में जाता है, उसके अंदर प्लंजरों की मदद से फिर नोजल से होता हुआ वो सिलेंडर के अंदर चला जाता है, जिससे हमारे इंजन को ताकत मिलती है और हमारा जो ट्रैक्टर है बहुत अच्छे से काम कर पाता है, जान लगा पाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो इसकी डीजल टैंक की है वो 65 लीटर की आती है। ये इसका स्टेयरिंग का टैंक दिया हुआ है, इसके अंदर स्टेयरिंग का ऑयल होता है जो कि स्टेयरिंग को स्मूथ और मेंटेनेंस फ्री बनाता है। आप देख सकते हो सिंगल हाइड्रोलिक इसमें वो जैक लगा हुआ है, जिसकी मदद से जो इसका बोनेट है वो आसानी से ऊपर की तरफ खुल जाता है। साइलेंसर बहुत ऊंचा है, जिससे काला धुआं हमारे किसान भाई के चेहरे पे ना जाए। ये मिरर दे रखा है, जिससे क्या किसान भाई पीछे का देख सकता है। स्टेयरिंग आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, कारो जैसी स्टेयरिंग दे रखी है। ये इसका क्लस्टर मीटर दे रखा है किसान भाइयों, डिजिटल क्लस्टर मीटर के अंदर आता है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक में ये ट्रैक्टर है, हर एक चीज़ ये इंडिकेट करता है। ये लाइटों वगैरह और इंडिकेटर की लाइटों का कंट्रोल वगैरह दे रखा है, ये आप देख सकते हो। इससे आप ट्रैक्टर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा किसान भाई, ये ब्रेक दे रखे हैं जो कि ऑयल इमर्ज डिस्क ब्रेक के अंदर आते हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी प्लेट जल्दी गर्म नहीं होती और घिसते नहीं, जिससे ये मेंटेनेंस फ्री बना रहता है। इसके अलावा किसान भाई, ये पैर की रेस दे रखी है, इससे भी आप ट्रैक्टर को रेस दे सकते हो। अब हम इसके गियर बॉक्स की बात करते हैं, तो ये सिंक्रोमैक्स गियर के अंदर आता है। करारो का इसके अंदर ट्रांसमिशन लगा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप देख सकते हो ये ABC के अंदर आता है, हाई लो के अंदर नहीं, ABC के अंदर आता है। इसमें 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर हैं किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा गियर लगा के देती है। साइड शिफ्ट के अंदर आता है, आप ये देख सकते हो। ये शटल गियर दे रखा है जो कि स्टेयरिंग पे होता है, लेकिन कंपनी ने साइड में दे रखा है, जिससे किसान भाइयों को गियर वगैरह लगाने में आसानी रहेगी। PTO के लीवर वगैरह दे रखे हैं, साथ ये टूल बॉक्स दे रखा है जो कि फाइबर का है, जिससे जंग वगैरह ना लगे। ये आप मडगार्ड देख सकते हो, मडगार्ड के ऊपर गद्दी वगैरह लगी हुई है। ये पोजीशन और ड्राफ्ट लीवर दिया हुआ है किसान भाइयों, ये भी बहुत ही अच्छी सेंसिंग पावर के साथ में आते हैं। गद्दी लगा के मडगार्ड पे देती है कंपनी। अब हम पीछे से बात करते हैं, तो आप देख सकते हैवी ड्यूटी मैकेनिज्म पीछे का भी है। जो इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 1800 से 2200 केजी की है। किलड़ा हुक आप देख सकते हो कितना हैवी लगा के दे रही है कंपनी। इसकी जो PTO है वो 55.3 के अंदर आती है, ये आप देख सकते हो। ये टॉप लिक वगैरह दे रखा है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, जिससे आप हाइड्रोलिक की ट्रॉली वगैरह आसानी से इसमें जोड़ सकते हो। चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, सेंसिंग पावर बहुत अच्छी है हाइड्रोलिक वगैरह की किसान भाइयों। बीच में इन्होंने रोड भी लगा रखी है, जिससे कि वाइब्रेशन वगैरह की शिकायत ना रहे। रिफ्लेक्टर दे रखा है एक्सीडेंट वगैरह से बचाने के लिए रात के समय। दोनों तरफ जो आर्म इंज है इसकी एडजस्टेबल है, आप देख सकते हो। इसका जो पिछला रियर एक्सल है, धुर्रा है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त और हैवी ड्यूटी, जिससे कि लोडर डोजर के हर एक झटके को सह सके ये। इसके अलावा करारो का इसके अंदर गियर बक्सा लगा हुआ है, करारो का बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त माना जाता है किसान भाइयों। ये आप यहाँ से इसकी जो लिफ्ट को है वो कंट्रोल कर सकते हो, लिफ्ट का लीवर दिया हुआ है। इसकी हम प्राइस की बात करते हैं, तो 7 से 7.5 लाख में ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। 65 HP का कैटेगरी का ट्रैक्टर है ये, 4 सिलेंडर में आता है। हैवी ड्यूटी टाइप का ये ट्रैक्टर बना के दे रही है, 6 स्प्लाइंस में आता है ये। बहुत ही अच्छी सेंसिंग पावर वगैरह दे रखी है इसकी, आप देख सकते हो। नए लोहे में बनता है ये ट्रैक्टर। इसके अलावा किसान भाइयों, कोई भी ट्रैक्टर लेने से पहले आप उसका ट्रायल ज़रूर करें और भी जानकारी इकट्ठा करें, तभी आप कोई ट्रैक्टर लें। तो धन्यवाद।